का दोस्तों अलर्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जो जेएनके बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक से यदि आप पर्सनल लोन लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी तरह की समस्या, तत्काल पर्सनल लोन, इंस्टेंट पर्सनल लोन, वो सारी समस्या का खत्म इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा और आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वीडियो को ध्यान से देखिए, साथ ही साथ सिर्फ सेकंड में ही आपको देगा बैंक और वीडियो को देखेगा। और जेएनके बैंक से रिलेटेड किसी ने कमेंट किया हुआ था और उसको भी लेंगे, आखिर उसकी क्या समस्या है, और इस वीडियो देखने के बाद आपकी जो लोन से रिलेटेड समस्या है जेएनके बैंक का वो खत्म हो जाएगा। देखिए, यदि आप अर्लीवुड पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन, वीडियो को लाइक शेयर कुछ पूछना, 3 से 4 मिनट के अंदर वीडियो फिनिश हो जाएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जेएनके बैंक से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट वगैरह दिया हुआ है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया उसको ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा जेएनके बैंक क्या कहती है, ये क्लेम कर रही है जो आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो साथ में मॉरेटोरियम भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। लेकिन फिलहाल इस पर्सनल लोन के साथ इन मॉरेटोरियम इनबिल्ट नहीं है, लेकिन अप्लाई करेंगे आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो वो दूसरा ये मॉरेटोरियम रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क वाली मॉरेटोरियम। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जो जेएनके बैंक भी आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन दे रहा है और जिसके तहत आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन करके। लेकिन इनसे भी बड़ी समस्या जो कमेंट में देखने को मिला, अब आपको लेकर चलते हैं कमेंट क्या हो। हम लोगों के लगभग 3-4 महीने पहले वीडियो आई थी, उस वीडियो पर जेएनके बैंक से वाली जो वीडियो थी उस पर कमेंट आया हुआ है। अब किसका कमेंट है और उन्होंने क्या कुछ बोला है इस पर बात कर दी। देखिए कमेंट है, ये देखिए जेएनके बैंक का वीडियो हम लोगों की आई हुई थी आज से लगभग 3-4 महीने पहले, तो इस पर कमेंट है मिस्टर हैप्पी हैप्पी का। अब ये हैप्पी हैप्पी है, इन्होंने हैप्पी हैप्पी इन्होंने अपना प्रोफाइल लगा रखा है। ये बोल रहा है, ओ भाई मैं 5 महीने से अपना खर्चा करके, यानी ये काफ़ी दूर इनका जो घर है ये काफ़ी दूर है जेएनके बैंक का जो ब्रांच है उनसे, अपना खर्चा करके ये बैंक का ब्रांच जाता है, अपना खर्चा कर थक गया, यानी ये जाता है लेकिन इसको समाधान नहीं मिल रहा है, बैंक वाले सही से बात भी नहीं करते। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अपना पैसा खर्च करके बैंक ब्रांच जाता है और बैंक वाले सही से बात नहीं करता और आप लोन की बात करते हो और कुछ सेकंड में। देखिए इसमें कई सारी बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपका जेएनके बैंक में सैलरी अकाउंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, सैलरी अकाउंट होगा और आपकी सैलरी अकाउंट होगा तो सैलरी तो आएगा ही आएगा, तो आपको उस केस में बैंक क्या, जेएनके बैंक आपको क्या कर सकती है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर देगी। इस केस में आपको सेकंड में लोन मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है, यदि आपका जेएनके बैंक में सेविंग अकाउंट है और डिपॉजिट वगैरह इसमें रहती है और आपको लोन चाहिए, आप कोई जॉब या बिजनेस करते हो, ठीक है, जॉब या सैलरी किसी दूसरे अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है लेकिन आपका जेएनके बैंक में सेविंग अकाउंट है और आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ दूसरा कंडीशन अप्लाई होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा मैनुअली फिजिकली, ठीक है, और फिर जाके वहाँ पर लोन का जो फॉर्म वगैरह है जैसे भी है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। अब इस बात क्या है, जो आप जाते हो लेकिन बैंक का जो स्टाफ है वो सही से बात नहीं करता, थक गए, तो सबसे बड़ा समाधान क्या है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, एक एप्लीकेशन बनाइए, एक क्या करो एप्लीकेशन बनाओ, उसमें आप बताओ जो आपके बैंक ब्रांच गए थे लोन का क्वेरी करने के लिए, बैंक वाले ने आपसे, मैंने बैंक का जो स्टाफ है उन्होंने सही से बात नहीं की और मुझे इंटरटेन सही से नहीं किया, ठीक है, तो कंप्लेन बनाकर आप एक मैनेजर को दो, आप वहाँ का जो मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, ब्रांच मैनेजर को दीजिए, उसका कॉपी आप अपने पास रख लीजिए और फिर देखो ब्रांच मैनेजर यदि सॉल्व कर देते, सॉल्व तो कर ही देगा यार, मैनेजर से मिलोगे तो वो सॉल्व कर देगा और आपको अगला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं करता है तो उसका रीजनल मैनेजर होगा, जोनल मैनेजर होगा, वहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर रेज कीजिए, या तो इन सब से भी ऊपर है दोस्तों बैंकिंग ओम्बड्समैन, ठीक है, बैंकिंग लोकपाल जो आरबीआई के अंडर आता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन उसको बोलते हैं, ठीक है जी, तो हम उस पर आगे किसी वीडियो में बात करें, लेकिन वीडियो इस पर भी बनी हुई आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपका मैनेजर तक जाते जाते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको बाकी और चिंता करने की जरूरत है। चलिए इस तरह से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, आप जेएनके बैंक का अप्लाई भी यहां पर कर लीजिएगा, इधर देखिए अप्लाई नौकर के ऑप्शन आता है, इधर डालिएगा और ब्रांच से कॉल वगैरह आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह से आपका जेएनके बैंक वाली जो समस्या थी हैप्पी एंड हैप्पी आपकी सॉल्व हो गई। इसी के साथ वीडियो करते फिनिश, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट वगैरह दिया हुआ है हम लोग, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर अप्लाई कर लीजिए और इसी के साथ वीडियो फिनिश। थैंक यू।